मेरे सामने प्रकट हो चुकी है दुनिया की सबसे महंगी कार रोल्स रॉयस। साहब यहाँ पर मेरे पास आ चुकी है दो दो सुपर बाइक। वेलकम गाइस बैक टू माय चैनल। हाय, आज मैं जो गेम ट्राई करने वाला हूँ उस गेम का नाम है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D। सो लेट्स गो गाइस, गेम को जल्दी से प्ले करते हैं। ओके भाई, तो हमारे सामने एक बॉडी बिल्डर आ चुका है। भाई इसके कट वगैरह क्या निकले हैं यार। तो सबसे पहले मैं तुम लोगों को इस वाले घर का टूर दे देता हूँ। और भाई क्या ही मस्त गेम है ये वाला। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ इस साइड वाली बालकनी में, तो देखते हैं इस वाली बालकनी में क्या क्या हो सकता है। एंड इसी वाले कमरे में एक बेड पड़ा है और सामने की तरफ टीवी लगी है। बाहर वाले रूम में जाके मैं देखता हूँ क्या क्या है। आई थिंक ये बाहर का एरिया है, तो यहाँ पर सोफा वगैरह पड़े हैं और यहाँ पर एक पेंटिंग भी लगी है जो कि काफी ज्यादा महंगी वाली लग रही है। चलो भाई, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस बंदे का भाई राज, जो कि इसने बॉडी बना के रखी है। इसने अपने घर पे ही पूरा जिम वगैरह का सेटअप करके रखा है भाई, ये देखो। तो यहाँ पर ये बॉडी वगैरह बनाता है। तो जल्दी से चलते हैं, इसके ऊपर भी एक फ्लॉट है तो उस पर भी देखते हैं। और यहाँ पर भी इसने पूरा वर्कआउट का सामान ही रखा है। और यहाँ पर इसने डंबल वगैरह भी काफी ज्यादा बड़े वाले रखे हैं भाई, ये देखो इसकी भाई कितनी ज्यादा कट निकली हुई है। इसीलिए इसे छोटे मोटे दर्द पता ही नहीं चलते, क्योंकि भाई इसकी मोटी चमड़ी के अंदर भाई दर्द पता ही नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पर ये देखो सामने बाकी सारी मशीनें हैं और भाई इसका प्राइवेट पूल भी है। ओके भाई, जल्दी से नीचे चलते हैं और इसका प्राइवेट पूल वगैरह देखते हैं भाई, क्या पूल इसका मस्त वस्त है या फिर ऐसे ही पड़ा है। ओके भाई, मैं जल्दी से नीचे भाग के आ चुका हूँ और अब जल्दी से चलते हैं, देखते हैं इसका प्राइवेट पूल में क्या सीन है। तू समझा भाई, इसके घर के सामने ये शायद से फॉर्चुनर वगैरह है। तो जल्दी से इसको पूल में नहलाते हैं और घूमने के लिए चलते हैं जल्दी से बाहर। ओके भाई, भाई साहब मैं जल्दी से नहा दो के बाहर चलता हूँ। अभी मुझे चिट कोड वगैरह भी ट्राई करने हैं। मैं ट्राई करने वाला हूँ पूरे 1000 से 10000 तक चिट कोड के अंदर कौन कौन सी गाड़ी आती है। तो जाके जल्दी से मैं ट्राई करता हूँ, ग्राउंड पे चलते हैं। ओके भाई साहब, मैं जल्दी से फॉर्चुनर में बैठ के चलता हूँ और किसी ग्राउंड पे चलता हूँ जहाँ पर मैं सभी गाड़ियों को इकट्ठा ला सकूँ और वहाँ पर मैं चिट कोड सभी डालूंगा। तो लेकर चलते हैं गाड़ी को। तो जल्दी से चलते हैं सामने वाले ग्राउंड पे। एंड भाई मुझे तुम लोग चिट कोड भी बता देना, जो कि मुझे कई सारे चिट कोड ऐसे हैं जो कि मुझे नहीं पता है क्या क्या होता है उनसे। तो तुम सभी लोग चिट कोड वगैरह डाल देना, जो कि मैं सभी के चिट कोड ट्राई करूंगा। ओ भाई साहब क्या हुआ इसे, ओ तेरी अभी इसके मूर्छा वगैरह आ गया क्या, ये कहाँ पर खड़ा हो गया। ओ तेरी, ये तो फॉर्चुनर के गेट पे खड़ा हो गया। उतर जा भाई, जल्दी से उतर, नीचे उतर जा वरना लग जाएगी तेरे पैर वगैरह में। ओके, मैं जल्दी से यहाँ पर अब जल्दी से आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ और यहाँ पर मैं सभी चिट कोड ट्राई करने वाला हूँ जो कि 1000 से 10000 के बीच में होंगे। जैसे कि मैं पता करूंगा 1000 पे कौन सी गाड़ी आती है, 2000 पे कौन सी गाड़ी आती है। तो ऐसे करके मैं 10 तक पूरे मतलब कि 10000 तक सभी चिट कोड ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्राई करने वाला हूँ 1000, जो कि मुझे नहीं पता है कौन सी गाड़ी आने वाली है। तो जल्दी से ट्राई करते हैं। ओके भाई, ये तो शायद से फॉर्चुनर है। तो 1000 पे है अपनी फॉर्चुनर जो कि काफी मस्त लग रही है। एंड लास्ट में मैं इन सभी गाड़ी को ट्राई करने वाला हूँ चला के। एंड अभी तो मैं इस वाली फॉर्चुनर को चला के आया हूँ, तो मैं अगली गाड़ी को देखता हूँ कौन सी आने वाली है जो कि 2000 में डालने वाला हूँ। ओके, तो मैं 2000 पे ट्राई करने वाला हूँ कौन सी गाड़ी आने वाली है। तो जल्दी से मैं डायल कर लेता हूँ 2000 नंबर को। एंड यहाँ पर भाई साहब, भाई ये तो रोल्स रॉयस आ गई यार। भाई ब्लैक रेड क्या मस्त लग रहा है भाई, काफी ज्यादा सही लग रही है। ओके भाई, अब जल्दी से मैं 3000 को ट्राई करके इसको चलाने वाला हूँ भाई। भाई मुझे तो ये गाड़ी बहुत अच्छी लगी, आप लोग भी कमेंट में बता देना। ओके भाई, अब मैं ट्राई करने वाला हूँ 3000 पे हमें कौन सी गाड़ी देखने को मिलती है। तो जल्दी से मैं डायल कर लेता हूँ अपने फोन के अंदर 3000 डायल कर लेता हूँ जल्दी से। ओके भाई, मैं जल्दी से 3000 को भी डायल कर लेता हूँ और देखते हैं हमारे सामने क्या है। ये तो शायद से H2R है भाई, कावासाकी निंजा H2R भाई, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक बाइक है। एंड इसको भी हम ट्राई करके देखेंगे, चला के देखेंगे भाई क्या ओपिनियन है, मैं सब तुम्हें शेयर करूंगा। तो हाँ, अब मैं एक और नया चिट कोड ट्राई करने वाला हूँ जो कि है 4000। तो देखते हैं 4000 पे हमें क्या देखने को मिलता है। ठीक है भाई साहब, अब मैं ट्राई करने वाला हूँ 4000 नंबर को डायल करके। एंड देखता हूँ भाई मुझे कौन सी गाड़ी देखने को मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने डायल कर दिया है। एंड भाई साहब, ये वाइट कलर की पोर्ट से आ गई भाई, मैंने पहली बार देखी है वाइट कलर की पोर्ट से, काफी ज्यादा सही लग रही है वैसे। इसको भी हम चला के देखेंगे, तब देखेंगे कैसी लग रही है ये। अब हम चिट कोड डालने वाले हैं 5000। तो देखते हैं 5000 पे हमें क्या मिलता है भाई। ओके, ये है पल्सर 200, काफी सही लग रही है ये भी बाइक। ओके भाई साहब, अपना अगला कोड है जो कि है 6000। भाई साहब गलत मत समझना यार, मैं 6000 को जल्दी से ट्राई करके देखता हूँ यहाँ पर हमें 6000 में क्या देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें एक बाइक मिली है जो कि आयरन बाइक करके है, तो ये भी काफी सही लग रही है। ओके भाई, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं 7000 पे। देखते हैं 7000 पे हमें कौन सी गाड़ी या फिर कार देखने को मिलती है। तो जल्दी से हम डायल पैड में 7000 को डाल लेते हैं। तो जल्दी से डायल करते हैं, आई थिंक 10 ज्यादा हो गया, तो इसे हटा के अब जल्दी से डायल करते हैं। देखते हैं 7000 पे ये क्या है भाई, ये हायाबुसा है भाई, क्या मस्त लग रही है।
वो भी नीले कलर में, काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो ठीक है, मैं इसे भी ट्राई करके देखूंगा। मुझे लग रहा है आई थिंक अगला कोड हमारा है 8000। तो 8000 पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, तो जल्दी से हम इसे यहाँ पर डायल करके बुलाते हैं अपनी अगली वाली बाइक को। तो देखते हैं भाई हमें। ओ भाई साहब ये तो सबसे अलग है भाई। मुझे लग रहा है अभी तक का सबसे महंगा यही हो सकता है भाई। ये तो काफी ज्यादा महंगा आइटम मुझे लग रहा है भाई। ये क्या है भाई, चौपर आ गया पूरा अचानक से। ओके भाई, तो मैं जल्दी से थोड़ा सा साइड में आ जाता हूँ और मैं अगला कोड अपना ट्राई करता हूँ। तो देखता हूँ भाई, मैंने शायद से 8000 पे ये प्लेन आया है, मतलब कि हेलीकॉप्टर आया है, एंड अब मुझे ट्राई करना है 9000 पे, मुझे क्या मिलता है। तो जल्दी से यहाँ पे मैं डायल कर लेता हूँ 9000 पे, हमें देखने को क्या मिलता है। तो जल्दी से मैंने डायल कर दिया है, एंड ये क्या है भाई, आई थिंक ये दिलों पे राज करने वाली स्प्लेंडर है भाई। भाई ये मेरे पापा की स्प्लेंडर इधर कैसे आ गई भाई, काफी ज्यादा मस्त लग रही है ये भी गाड़ी भाई। मैं इसे भी ट्राई करने वाला हूँ। आई थिंक मैंने ये 9000 नंबर पे बुलाई है, तो मैं देखता हूँ भाई 10000 पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, क्या कुछ बड़ा देखने को मिलेगा या फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो जल्दी से मैं 10000 को डायल करके ओके करता हूँ। भाई मुझे 10000 पे तो कुछ भी नहीं देखने को मिला यार भाई। सबसे पहले तो स्प्लेंडर ही थी भाई, गंदा हो गया भाई मेरे साथ। भाई बाकी की चीट कोड तुम लोग भी बता देना कमेंट में, ताकि मैं अगली वाली वीडियो में ट्राई करूंगा। एंड मुझे एक और चीट कोड पता है जो कि महिंद्रा थार का है, वो 9090 करके ऐसा कुछ था। तो यहाँ पर मैं जल्दी से 9090 डायल करके ट्राई कर लेता हूँ कि मुझे 9090 पे देखने को क्या मिलता है भाई साहब। ये भाई सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लग रही है, जो कि मॉडिफिकेशन पूरी थार है भाई। इनमें से तुम लोग कमेंट में बताना सबसे महंगा क्या है और सबसे सस्ता क्या है। हाँ, और लाइक सब्सक्राइब का बटन ठोक के जाना।